हे राजू, कहाँ देख रहा है? अरे सब्जी का ठेला सामने लगा है, चल। जी जी आए पिताजी। यार तुम्हारी अम्मा जो है छोटा झोला दे रही, इतनी सारी सब्जी आ जाइए। और असरफ भैया सब बढ़िया है? हाँ बस भैया सब बढ़िया। वाह असरफ मियां, नहलाए धुलाए के सब्जी तो बिल्कुल चमकाए दिए हो। अरे भैया एकदम ताजी है। अरे बिल्कुल फ्रेश, देखिए कैसे चमक रही है। तब तो भाव भी आसमान छुआए दिए हो। अरे भैया का कह रहे, अरे एकदम बिल्कुल भाव जो है जमीन वाली है। अब आप बताओ काका दे दे। एक किलो आलू, एक किलो प्याज और एक किलो लौकी दे दो। और तो अम्मा कुछ नहीं मंगाएंगे? अरे मुन्ना, अरे काहे गेंद बनाए हो? अरे उछाले से कोनो आउट ना ही हो, लेकिन गिर के छितर जरूर जाई। अब एक चीज बताओ मुन्ना, स्कूल जात हो? जी काका, जाता हूँ। और तुम तो जरूर स्कूल जात हुई हो बेटुआ। अरे भैया स्कूल जाके क्या फायदा, अब यही स्कूल के सामने ठेला लगवाई दी ने। अब भाई से ठेला और का? अरे का करेगा स्कूल जाए के, अरे ठीक ठाक कमा लेता है। अरे अशरफ मियाँ, अभी तो उम्र है इनका पढ़ाई लिखाई करे की, और फिर उम्र बीते के बाद फिर जो है पढ़ाई ना कर पाई है, बहुत मुश्किल होते। और देखो रमेश बाबू भी है, आप तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हो, इन्हें से पूछ लो। हाँ अशरफ ठीक कह रहे भैया, और साहिल जैसे बच्चों के लिए तो पढ़ाई इतनी जरूरी है कि सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है कि बच्चे सही से पढ़ लिख सके और अपना रोजमर्रा का जोड़ घटाना कर सके। शुरुआती शिक्षा ही तो भविष्य का आधार बनती है, क्यों रमेश बाबू? बिल्कुल सही भैया। देखो अशरफ, हमारा राजू जो है रोज स्कूल जाता है, और स्कूल जाना एक बेहद पसंद है। चिट्ठी पत्ती अखबार सब पढ़ लेता है, और जोड़ना घटाना अरे ये तो हमसे भी तेज है के? पता है अशरफ, बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार बहुत कुछ दे रही है, ड्रेस कॉपी किताब जूता मोजा और खाना सब कुछ सरकार दे रही है, और कंप्यूटर की पढ़ाई भी करा रही है, और टीचर, अरे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या, ट्रेनिंग लेकर आते हैं टीचर पढ़ाने, कोई ऐसे यूं ही नहीं चलाता पढ़ाने। ए राजू, वो गणित पढ़ाई का कौन सा बक्सा है? गणित किट पिताजी। हाँ गणित किट से भी पढ़ाते हैं टीचर। हाँ तभी तो इतने होशियार हो रहे हैं बच्चे। अरे भैया इससे क्या बदल जाएगा, अरे कोई अफसर डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे हमारे बच्चे। क्यों नहीं बन पाएंगे? अरे जब पढ़ाएंगे तो जरूर बनेंगे। ए राजू पढ़ाओ के क्या बनिए? हम डॉक्टर दीदी जैसे डॉक्टर बनेंगे। तो भैया आलू प्याज लौकी और सब तौल के रख दें, अब बताओ क्या चाहिए, वरना इतनी दूर फिर से आवे के पड़ी। पहले तुम हंस लो, ये जो खीसे निपोर रहे हो ना, ये का पहले जो तुम बंद कर, तब हम तुमका बताएंगे। भैया अब हंसने पर भी टैक्स लग गया, तो ठीक है बंद कर ले अपने मुंह, अब बताओ काका दे। आधा किलो टमाटर, पाव भर परवल और एक दो रुपया की मिर्चा डाल दियो बस। अरे भैया एक किलो बैगन और पांच मिनट धनिया कर दे। हाँ बस भैया दो ही मिनट रुक जा भैया, बस दो ही मिनट दे ही देते। हाँ अशरफ मियाँ कितना भवा? अब भैया अब 20 रुपया आलू और 20 रुपया प्याज, 18 रुपया टमाटर और 15 रुपये की हो गई लौकी, और 10 रुपये की हो गए परवल, और भैया लास्ट में 2 रुपया का होगा वा मिर्ची, अब कुल 75 रुपया होगा भैया। पापा एक बार पैसे जोड़ लीजिए। कहाँ है बच्चों? पूरे 85 रुपया हुए हैं। अरे हाँ बच्चवा तुम ठीक कहते हो, अब हम गलत जोड़ लेंगे। अरे वाह भैया इतना भर बच्चा और इतना सारा ज्ञान। देखा हमने कहा था ना कि जैसे ही फसल की सिंचाई करोगे वैसे ही फसल होगी। अब तुम भी साहिल को पढ़ाना है? और साहिल भी राजू की तरह होशियार बनेगा, तभी हम भी स्कूल जाएंगे। अब हम भी अपने बच्चों के स्कूल में। का बिटवा हमारे बच्चों के स्कूल ले जाओगे? जरूर ले जाएंगे काका। हाँ हाँ भैया क्यों नहीं ले जाएगा, सब पढ़ेंगे निपुण बनेंगे, तभी तो बनेगा अपना उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश।